दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अतुल क्रिकेट अकेडमी में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ड्रीम इलेवन IPL के डे 39 के मैच का रिव्यू, यानी उस मैच का रिव्यू जिसमें दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद मिली। इस मैच में क्या हुआ, कौन जीता, कौन हारा, सब बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं YouTube चैनल अतुल क्रिकेट अकेडमी को सब्सक्राइब करके साथ में दी गई बेल आइकन को दबा दीजिए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। मुझे इंस्टाग्राम और मेटाकाटा पर फॉलो कर दीजिए, आईडी आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं टॉस में क्या हुआ। श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता, पहले बॉलिंग का फैसला किया। जब सनराइजर्स हैदराबाद बैटिंग करने उतरी तो कप्तान डेविड वार्नर ने 66, दूसरे अपने रिद्वान शाह ने 87, मनीष पांडे ने 44 नॉट आउट और केन विलियमसन ने 11 नॉट आउट बनाए। इस तरह से 219 रन तक के स्कोर तक पहुंची 2 विकेट गवा के सनराइजर्स हैदराबाद। दिल्ली कैपिटल्स की बॉलिंग की बात की जाए तो दिल्ली कैपिटल्स के लिए रिद्वान शाह का विकेट मिला एंड्रिट नॉर्जे को, वहीं रविचंद्रन अश्विन को मिला कप्तान डेविड वार्नर का विकेट। जब दिल्ली कैपिटल्स बैटिंग करने उतरी तो दिल्ली कैपिटल्स की बैटिंग ऊपर से बिखर गई। दिल्ली कैपिटल्स के लिए शिखर धवन ने 0, अजिंक्य रहाणे ने 29, मार्कस स्टोइनिस ने 5, नंबर 4 पे आए सिमरन हेटमायर ने 16, नंबर 5 पे बैटिंग करने आए इस मैच में ऋषभ पंत ने 36, कप्तान श्रेयस अय्यर ने 7, अक्षर पटेल ने 1, कगिजो राबाडा ने 3, रविचंद्रन अश्विन ने 7, तुषार देशपांडे ने क्विक फायर 20, वही एंड्रिक नॉर्जे ने 1 रन बनाया। वही बात की जाए अगर बॉलिंग की सनराइजर्स हैदराबाद की तो सनराइजर्स हैदराबाद की बॉलिंग बहुत अच्छी गई। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए राशिद खान को सबसे ज्यादा 3 विकेट मिले। राशिद खान को अजिंक्य रहाणे, सिमरन हेटमायर और अक्षर पटेल का विकेट मिला। टी नटराजन को एंड्रिक नॉर्जे और कगिजो राबाडा का विकेट मिला। संदीप शर्मा को भी 2 विकेट मिले। संदीप शर्मा को शिखर धवन के साथ साथ ऋषभ पंत का विकेट मिला। विजय शंकर को कप्तान श्रेयस अय्यर का विकेट मिला। वहीं शाहबाज नदीम को मार्कस स्टोइनिस का विकेट मिला। इस तरह से दिल्ली कैपिटल्स अपने कोटे के 20 ओवर भी नहीं खेल पाई और 131 रन पे ऑल आउट हो गई। इस तरह से सनराइजर्स हैदराबाद ने इस मैच में दिल्ली कैपिटल्स को 88 रन से बड़ी शिकस्त दी। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए ये हुई इस सीजन की 5वीं जीत। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आज का मैच है मुंबई इंडियंस वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। तो दोस्तों स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।